नमस्कार, मैं राकेश शिवानी, एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले तीन पार्ट से मैं बस बना रहा हूं आपका कि किस तरीके से कुंडली आपके हाथ में आए तो कैसे उसको प्रेडिक्ट करें, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। जिसमें मैंने पीछे आपको काफ़ी बातें बताई हैं कि जब भी कोई कुंडली आती है तो उसका लग्न देखिए, उसकी लग्नी करेक्टरिस्टिक देखिए, उसकी राशि देखिए, उसका चंद्र देखिए कहीं पीड़ित तो नहीं है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को शो करता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि अब उसका वो कंप्लीट करेक्टरिस्टिक उसकी मालूम होनी चाहिए आपको, लग्न की क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, राशि की क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। जब वो आपको मालूम रहेंगी तो आप ठीक से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि उसकी एग्जिस्टिंग दशा, वो दशा स्कीम देखिए, मतलब कि जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय क्या दशा थी, जिसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर दशा जिस समय पैदा हुआ, दशा से ही मेन स्पेसिफिकली मतलब है अंतरदशा का, कि अगर अंतरदशा उस वक्त अच्छे ग्रह की है, जो ग्रह उच्च का बैठा है, शुभ दृष्ट शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों के साथ बैठा है और अच्छे भाव का स्वामी है, 6-8-12 का स्वामी नहीं है। अगर 6-8-12 का स्वामी भी है तो साथ में त्रिकोण का स्वामी है, तो अगर अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो उस केस में इंसान की परवरिश, इंसान की नर्चरिंग जो होती है वो बेस्ट होती है और वो आदमी हमेशा अपनी लाइफ में आगे तरक्की करता है। अगर किसी को जन्म के समय ही अंतरदशा गलत मिल जाती है तो उससे उसकी हर चीज़ में व्यवधान आता है, चाहे वो उसकी एजुकेशन हो, चाहे उसकी नर्चरिंग हो, उसमें प्रॉब्लम हमेशा रहती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसकी पत्री में ये भी देखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग दशा कौन सी चल रही है, क्योंकि जिस इंसान जो भी आपके पास आया है कुंडली लेके, तो कुछ जाहिर है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो उसको है ही, तभी वो आया है। तो उसकी एग्जिस्टिंग दशा देखना बहुत ज़रूरी है कि दशा किस ग्रह की है, वो ग्रह किन भावों का स्वामी है और वो ग्रह अच्छे रिजल्ट देने वाला है कुंडली में या नहीं देने वाला है, उसके बेस पे आपको मालूम चलता है कि इसका नॉर्मली प्रश्न इस जातक का क्या होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ये बहुत देखने जरूर कुंडली में देखना ज़रूरी है कि जो प्लैनेट्स आपके हैं वो प्लैनेट्स आपके किस में हैं, मतलब आपके टोटल आपका जो, अगर अपने हाउस में प्लैनेट बैठा है तो वो भाव बहुत बली होता है। अपने भाव प्लैनेट को देखना कि मान लिया कोई मंगल है, मंगल अगर अपनी ही राशि में, स्वयं राशि में बैठा हुआ है तो वह बहुत बली हो जाता है, या प्लैनेट अपने भाव को देख रहा हो, यानी कि जो भाव अपने स्वामी से युत हो या अपने स्वामी से दृष्ट हो वह बहुत बलवान हो जाता है। तो उसमें आपको फिर ये भी देखना चाहिए कि जो भाव हैं वो किस किस तरीके से हमारे हैं, हमारा कौन सा भाव बलवान है, कौन सा भाव कमज़ोर है, ग्रह कौन सा बलवान है, ग्रह कौन से कमज़ोर है। उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की स्थिति भी देखनी है कुंडली के अंदर। अब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जो हैं 5, 9, 1 और 4, 7, 10, इनके स्वामी त्रिकोण में बैठे हों या केंद्र में बैठे हों तो बहुत अच्छे रहते हैं। अगर इनके स्वामी 6, 8, 12 वाहे में चले गए तो उनकी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी की स्थिति देख ली, फिर ग्रहों का बल देख लिया। बल के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था कि उस बल को कैसे देखें उसका, कि वो बल पाप कतरी योग में तो नहीं है, शुभ कतरी योग में है क्या, त्रिकोण में बैठा है क्या, उच्च राशि में है क्या, शुभ ग्रहों से दृष्ट है क्या, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है क्या, वो सब चीज़ देखने के बाद हम लोगों ने कहा था कि मोटा मोटा उस चीज़ से हम लोग बल दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको अब तक बता चुका हूँ। अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि जब ये चीज़ आपने देख ली कि आपके ग्रह कैसे हैं, कौन सा ग्रह बली है, कौन सा कुंडली में ग्रह आपकी योग कारक है, उसका चंद्र राशि कैसी है, उसकी लग्न कैसा है, जब आप ये सारी चीज़ देख चुके हैं और आइडिया लगा चुके हैं, तो उसके बाद आता है कि कैसे हम लोग भाव का ये निकालने की, कैसे प्रेडिक्शन करें भाव की, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। सपोज़ करिए मैं आपको एग्जांपल देके कुंडली में ही समझाता हूँ। ये मान लीजिए कि ये पहली कुंडली है, ये कुंडली बनी हुई है, ये एक कुंडली एक ऐसे जातक की है जिसका जन्म 1990 का है और यहीं गाज़ियाबाद का ही जन्म है। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे भाव भावेश वगैरह देखना, वो सब चीज़ स्टार्ट करने की इसमें बहुत ज़रूरत होती है। अब जैसे आप ये देखिए कि अगर हमने ये भाव नंबर 1 स्टडी करना है तो हम लिख देते हैं भाव वन या हाउस 1, ये हमने इसमें लिख दिया H1। तो H1 हमको स्टडी करना है, तो
एच वन स्टडी करने से पहले क्या चीज देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे भाव, भाव ऑब्लिक हाउस, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। इसमें क्या चीज चेक करनी है भाव हाउस के अंदर? देखिए, इसमें मेन चीज ये चेक करनी है, क्या इसमें कोई ग्रह बैठा है? नंबर वन, अगर वो बैठा है तो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है? पाप ग्रह शुभ ग्रह का मतलब ये हुआ कि जो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह ग्रह बैठा हुआ है या शुभ ग्रह बैठा हुआ है, वो ग्रह या जो भी भाव हमारा है उस भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है, वो भाव किस पाप कत्र योग में आते हैं या शुभ कत्र योग में आते हैं। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ये पहला हम भाव वन स्टडी कर रहे हैं, तो भाव वन में देखिए कि एक ग्रह बैठा है बुध, एक ग्रह बैठा है मंगल, इसके अंदर लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हुआ है, बुध लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब ये भाव बहुत स्ट्रांग है, आल्दो मंगल इसके अंदर बैठा हुआ है। और इसमें एक यहां से देखिए आप शनि की 7, 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि भी है, यानी दो ग्रह इस भाव को प्रभावित भी कर रहे हैं, लेकिन भाव बली है क्योंकि भाव अपने जो भाव है भाव का स्वामी वो अपनी राशि में ही है। तो मैंने बताया था कि जो भी भाव अपने स्वामी से युक्त होता है या स्वामी से दृष्ट होता है वो भाव बहुत बली हो जाता है। तो इस कुंडली में हम भाव को प्लस मान सकते हैं, मान सकते हैं कि भाव हमारा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एग्जैक्टली देखें तो उसमें थोड़ी दिक्कत जरूर आती है। वो दिक्कत क्या आती है कि शनि की दृष्टि हो गई इसके ऊपर और साथ में मंगल बैठा हुआ है, एक पाप ग्रह बैठा है, एक पाप ग्रह की दृष्टि है। तो सीधी सी बात यह है कि शनि मंगल के बैठे होने से बहुत ज़्यादा क्रोधी बच्चा होगा, बहुत क्रोध करता होगा। शनि दृष्टि होने से मतलब जो चीज़ें मिलने वाली होती है वो थोड़ा स्लो करके मिलती होगी, उसका उसके फास्ट उसको नहीं मिल पाती है, बहुत स्लो से इंतजार करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तब जाके उसको कुछ चीज़ सफलता वगैरह कुछ मिलती है। तो शनि की दृष्टि भी वहाँ पर है। अब कहने को तो शनि यहाँ पर 10 और 11 यानी कि पंचम भाव का और छठे भाव का स्वामी है, तो आप कह सकते हैं कि शनि योग कारक ग्रह हो गया, तो शनि की दृष्टि तो यहाँ अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रह जो हैं वो अपने गुण स्वरूप जो हैं वो हमेशा दो प्रकार से देते हैं, एक तो अपने भाव के स्वामित्व के हिसाब से, नंबर टू अपने स्वतंत्र कारकत्व के हिसाब से। तो भाव के स्वामित्व के हिसाब से तो ठीक है शनि की दृष्टि, लेकिन स्वतंत्र कारकत्व जो शनि के होते हैं, दुख देना या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करना या चीज़ों को डिले करना या बहुत ज़्यादा तरस तरस के कोई चीज़ देना, तो वो चीज़ उसने देनी देनी है ना, बिकॉज उसका वो स्वभाव है उसका। तो शनि की दृष्टि पड़ेगी तो वो चीज़ तो उसके अंदर आएंगी आएंगी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मंगल भी इसके अंदर बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है मंगल भी पाप ग्रह है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन हम मान सकते हैं कि फिर भी ये भाव मजबूत है क्योंकि ये भाव का स्वामी इसके साथ बैठा हुआ है। फिर हम देखते हैं भावेश, हमें देखना है भाव का स्वामी भावेश की स्थिति, यानी जो हमारा हाउस लॉर्ड है वो देखिए। अब हाउस लॉर्ड देखिए, हाउस लॉर्ड है बुध। बुध कैसा है इस कुंडली के अंदर? अगर आप देखें तो बुध कुंडली में एक ग्रह मंगल से साथ बैठा हुआ है, दूसरे शनि की दृष्टि है इसके ऊपर। तो बुध इस कुंडली में पीड़ित तो है, बट उसके लिए एक बचाव है कि बुध इसमें अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी उच्च राशि में है, क्योंकि बुध कन्या राशि में है, कन्या राशि उसकी उच्च राशि भी होती है और मूल त्रिकोण राशि होती है सॉरी, तो मूल त्रिकोण राशि में होने की वजह से बुध इसके अंदर स्ट्रांग है। तो भावेश बली हो जाता है, अगर भावेश अपनी ही राशि में बैठा होता है तो वो बली हो जाता है भावेश भी। तो इसके अंदर भावेश भी बली हो रहा है, आल्दो इसके ऊपर शनि की दृष्टि है और मंगल इनके साथ बैठा हुआ है जो कि भावेश को परेशान कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कह सकते हम इसको कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, बिकॉज दो पाप ग्रह इसको प्रभावित कर रहे हैं। ओनली जो बचाव है वो ये है कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा हुआ है, लग्न में स्थित है, क्योंकि भावेश
अगर कोई भी भाव ग्रह केंद्र में हो, लग्न में हो, त्रिकोण में हो, तो वो उसकी अच्छी पोजिशन होती है। अगर वो उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में हो तो वो भी उसकी बहुत अच्छी पोजिशन होती है। इसके इसके दोनों ओर एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्र है, इसका मतलब पापकत्री योग नहीं है, चूँकि एक तरफ शुभ ग्रह बैठा है, एक तरफ ये वाला ग्रह बैठा है, तो पापकत्री योग भी नहीं है इनके इसके दोनों तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, अराउंड 60% तक ठीक है, 40% तो पीड़ित है, बट फिर भी 60% तक हम इसे मान सकते हैं कि भावेश इसका ठीक है। चलिए लेट से भावेश भी इसका ओके है, बस इट्स नॉट गुड, वेरी गुड नहीं है, लेकिन ओके है। अब क्या देखते हैं कि जो भावेश है, हाउस लॉर्ड है, इसमें तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाउस लॉर्ड का डिस्पोजिटर, ये भी आपको चेक करना जरूरी है बहुत ज़्यादा। हाउस लॉर्ड का डिस्पोजिटर, ये नंबर वन मैं लिख देता हूँ उसको, नंबर टू कर देता हूँ, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। इसका क्या फर्क पड़ता है? हाउस लॉर्ड का डिस्पोजिटर का मतलब क्या हुआ? यानी बुध जो है, इसका इस भाव का मालिक है बुध, बुध बैठा है अपनी ही राशि में, इसके अंदर अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो इसका डिस्पोजिटर कौन हुआ? इसका डिस्पोजिटर खुद बुध ही हो गया, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अगर मतलब इसका डिस्पोजिटर का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कोई ग्रह है, वो जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी की स्थिति क्या है वो देखनी पड़ती है, तो वो उस राशि का स्वामी जो है उस पर्टिकुलर ग्रह का डिस्पोजिटर कहलाता है। अगर कोई ग्रह मान लीजिए कि मंगल ग्रह है और वो बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल ग्रह के रिजल्ट इस बात पे भी डिपेंड करेंगे कि मंगल का जो डिस्पोजिटर है यानी बुध, क्योंकि मंगल बुध की राशि में है, वो उसकी स्थिति क्या है। अगर उसकी स्थिति ठीक है तो भी फर्क पड़ता है रिजल्ट अच्छे होने के। तो यहाँ तो अपनी ही डिस्पोजिटर खुद ही है ये, चूँकि अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है, किसी और राशि में तो बैठा हुआ नहीं है। पांचवी चीज जो देखते हैं वो देखते हैं कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यही पांच चीज आपको कोई भी भाव स्टडी करते हुए देखनी है। अगर आपने ये पांच चीज स्टडी कर लिया तो समझो कुंडली आपने स्टडी कर ली। कारक क्या होता है? कारक मतलब होता है कि कुंडली के जितने 12 के 12 भाव हैं सबके कारक दिए हुए हैं। आप जानते होंगे जैसे पहले भाव का कारक सूर्य है, दूसरे भाव का कारक गुरु है, तीसरे भाव का कारक मंगल है, चौथे भाव का कारक चंद्र और शुक्र है, पांचवें भाव का कारक यहाँ चंद्र हो गया, या पांचवें भाव का कारक आपका गुरु हो गया, छठे भाव का शनि हो गया, सातवें भाव का आपका शुक्र हो गया, आठवें भाव का आपका फिर दोबारा शनि आ गया, नौवें भाव का गुरु आ गया, दसवें भाव का सूर्य और बुध हो गए, ग्यारहवें भाव का बृहस्पति हो गया, बारहवें भाव का फिर शनि हो गया। तो हर भाव के कारक आपको याद होने जरूरी हैं। तो इसके साथ साथ इसमें कारक की स्थिति भी देखनी है। तो देखिए अब कारक अगर हम इस कुंडली में देखें तो कारक कौन है इस भाव का? पहले भाव का कारक होता है सूर्य। सूर्य कहाँ गया है? द्वितीय भाव में और अपनी नीच की राशि में है, तुला राशि में है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो भाव का कारक है वो भी आपका एक तरीके से पीड़ित है, क्योंकि अभी एक ही ग्रह से अब उसकी नीच की राशि में बैठा हुआ है वो, तो कारक सूर्य से पीड़ित है। देखिए सूर्य पे हम देखते हैं क्या किसी की दृष्टि है? 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की दृष्टि है। तो बृहस्पति की दृष्टि होने से एक अच्छी चीज है कि एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, आल्दो जो ग्रह है वो पीड़ित है क्योंकि वो तुला राशि के अंदर बैठा है। सूर्य की तुला राशि जो होती है सूर्य की नीच की राशि होती है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी बचाव ये है कि उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति जो है शुभ नैसर्गिक ग्रह होते हैं, उनकी दृष्टि पड़ने से ये इसकी काफ़ी कुछ नेगेटिविटी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कारक भी आपका, ये भी आपका सोसो है, यू कैन से सोसो, ये भी आपका मतलब हो गया। तो अगर बृहस्पति की दृष्टि ना होती तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इसमें नीच राशि में ही आ गया था, पीड़ित हो गया था ग्रह। हालांकि पीड़ित होने के लिए जरूरी था कि इसके दोनों तरफ या तो पापकत्री योग बनता या इसमें और पाप ग्रह की दृष्टि होती, तो पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है सूर्य के ऊपर, सिर्फ ये है कि वो नीच की राशि में है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने से काफ़ी कुछ नेगेटिविटी सूर्य की खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ये जो भाव है वन,
तो आपने मोटा मोटा देखा कि मतलब इट्स नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा नहीं है, बट सो सो है। भाव भी ठीक ठीक है इसका, भावेश जो है इसका वो भी ओके है, क्योंकि अपनी राशि में बैठा है, उसके राशि में बैठा है। हाउस लॉर्ड डिस्पोजर वो भाव खुद ही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारक जो है वो भी सो सो है, अल्दो नीच राशि में बैठा हुआ है, पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो इस तरीके से आप सब देखेंगे और इसके बेस पर फिर आप प्रेडिक्शन पे जा सकते हैं कि कैसे रिजल्ट होंगे आपको, कि स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी नहीं होती रहेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग ये नहीं आ रहा है। अगर सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे होते तो हम कह सकते थे कि इंसान बहुत स्वस्थ रहेगा, इंसान का नाम रहेगा, इंसान का चरित्र बहुत ऊपर होगा और नाम कमाएगा, अपना यश कमाएगा, फेम कमाएगा, तो वो चीज़ हम इसे बोल सकते थे यहाँ पे, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसा इसमें इतना नहीं आता है कि बहुत अच्छा रहेगा, इसमें यही आता है कि मॉडरेट है, कि हेल्थ मॉडरेट रहेगी, बीमार भी होगा, सब कुछ होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हेल्दी होगा आल्दो, लेकिन थोड़ा गुस्सैल भी होगा, चूँकि मंगल यहाँ पर है, शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा इसे कामों में डिले होगा, वो भी चीज़ के अंदर में होंगी सारी। और दूसरी चीज़ इसके अंदर आप देखते हैं कि नाम फेम जो सोचते हैं ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा नाम होना है, बहुत अच्छा वो फेम होना है, वो भी चीज़ इसके अंदर दिखाई नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम बाकी घरों को भी देख सकते हैं करके, तो जब बाकी घरों को हम इसमें देखेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि कैसे हमें करना है। तो ये एक विधि है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही आपको बताया अभी तक कि जब भी कोई कुंडली आए तो उसका लग्न देखिए, लग्न की करेक्टरिस्टिक देख के उस समझ जाइए कि इंसान किस तरह का है, किस तरह की नेचर है। चंद्र राशि देखिए, उसकी करेक्टरिस्टिक देखिए, फिर ये देखिए चंद्र कहीं पीड़ित तो नहीं। अगर चंद्र पीड़ित है तो शायद मानसिक रूप से उसके अंदर प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, अगर चंद्र ठीक है तो उसका मतलब मानसिक रूप से वो बंदा स्वस्थ है। फिर देखिए जो ग्रह हैं, उन ग्रहों की केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी हैं बेसिकली, उनकी स्थिति क्या है। अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी केंद्र त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर वो 6-8-12 में चले जाते हैं तो वो थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। फिर ये देखिए कि जितने डिफरेंट ग्रह हैं उन ग्रहों के बल देखिए, ग्रहों का बल देखने का तरीका यही होता है कि ग्रह अपनी कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उस पर किस तरह के भावों के भावों का स्वामित्व है, अच्छे भावों का स्वामित्व है या अशुभ भावों का स्वामित्व है, वो उसके अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट हैं वो भी उसमें देखना ज़रूरी होता है, और उसके दोनों ओर पाप कतरी योग है या शुभ कतरी योग है वो भी उसके अंदर देखना होता है। तो ग्रहों का स्ट्रेंथ देख लेते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि आपको जन्मकालीन दशा देखते हैं, कि जन्मकालीन दशा जो बताती है आपकी कि आपकी बचपन में नर्सरिंग कैसी हुई है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर आप देखते हैं उस पर एग्जिस्टिंग दशा कौन सी चल रही है, उस दशा के हिसाब से आप आइडिया लगाते हैं कि इसको किस तरह की प्रॉब्लम जातक कुंडली को हो सकती है, कि किस ग्रह की दशा उसमें चल रही है। और उसके बाद जब आपने सभी चीज़ नोट कर लिया कि ग्रह स्ट्रांग है, अच्छा है, कैसा है, देन यू कैन गो हाउस बाय हाउस कि भाई भाव एक देखना है तो उसका भाव देखें, उसका भावेश देखें, उसका हाउस लॉर्ड का डिस्पोजिशन देखें और कारक देखें। तो ये देखने से आपकी कुंडली में बहुत आराम से आपका जजमेंट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो काइंडली कमेंट्स सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा, मैं उसमें और स्पेसिफाई करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।